हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कविता जी के बारे में और निशा जी के बारे में। दोनों ही काफ़ी अच्छी यूट्यूबर हैं, काफ़ी मेहनत करती हैं, तो आपके इनके बारे में हम आपको काफ़ी सारी बताएंगे बातें। तो गाइस, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे कुक विद निशा के बारे में और बताएंगे इनकी काफ़ी सारी बातें आपको। पहले बात करेंगे इनके रियल नेम के बारे में, फिर हम बताएंगे इनकी यूट्यूब जर्नी। बात करें रियल नेम के बारे में तो गाइस, निशा टोपबाल आनंद ये इनका रियल नेम है। बात कर ले यदि इनके होम टाउन के बारे में कि इनका घर कहाँ पर है, कहाँ ये रहती हैं, तो मैं आप सभी को बता दूँ, निशा जी रहती हैं अभी नोएडा में, नोएडा इनका होम टाउन है। बात करेंगे इनके रिलीजन के बारे में और इनकी नेशनलिटी के बारे में। इनका रिलीजन है हिंदू। बात करें नेशनलिटी के बारे में तो इंडियन इनकी नेशनलिटी है। बात करेंगे गाइस इनके प्रोफेशन के बारे में, तो गाइस जिनको नहीं पता है क्या करती है, तो मैं आप सभी को बता दूं, काफ़ी अच्छी यूट्यूबर है, काफ़ी मेहनत की है आज इन्होंने यूट्यूब पर, इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस है आज ये। बात करेंगे इनके यूट्यूब चैनल के बारे में, तो गाइस कुक विद निशा के नाम से काफ़ी अच्छा यूट्यूब चैनल है, जाओ आप भी देखो इनके यूट्यूब चैनल को यदि आपने नहीं देखा है। पहला मेरे वीडियो पूरा देखो, फिर देखना आप इनके यूट्यूब चैनल को। बात करेंगे सब्सक्राइबर्स के बारे में, तो 3 मिलियन से भी अधिक इनके यूट्यूब चैनल पर आज सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। बात करेंगे अपलोडिंग के बारे में, तो वैसे काफ़ी अच्छे अमेजिंग वीडियोस अपलोड करती है, जिसमें होते हैं फूड रेसिपीज वीडियोस, फूड चैलेंजिंग वीडियोस, ब्लॉग्स, काफ़ी अच्छे वीडियोस होते हैं और काफ़ी अच्छी फूड रेसिपीज बताती हैं ये लोगों को। बात करेंगे इन्होंने यूट्यूब कब स्टार्ट किया था, इन्होंने अपनी यूट्यूब जर्नी कब स्टार्ट की थी, तो 2017 में इन्होंने अपनी यूट्यूब पर जर्नी स्टार्ट की थी। बात करेंगे इनके फर्स्ट वीडियो के बारे में, तो भाई जिसके आप इस पिक्चर में देख रहे हो, यह है इनका पहला वीडियो, काफ़ी अच्छा वीडियो रहा था और यह वीडियो इन्होंने आज से 3 साल पहले वीडियो अपलोड किया था। बात करेंगे इनके पॉपुलर अपलोड के बारे में, तो भाई जिसके आप इस पिक्चर में देख रहे हो, इनका एक वीडियो है कि घर पर पनीर कैसे बनाए, वो वीडियो पर आज इनके 19 मिलियन से भी अधिक व्यूज हैं, तो आप भी देखो, काफ़ी अच्छा वीडियो है ये भी। बात करेंगे इनकी मंथली इनकम के बारे में, तो गाइस रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 से 5 लाख रुपए इनकी मंथली इनकम है, ये हम रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता रहे हैं। बात करेंगे इनके इंस्टाग्राम के बारे में, तो गाइस आपको इनके इंस्टाग्राम के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, कुक विद निशा के नाम से इनका इंस्टाग्राम है, जहाँ पर इनके 61,000 से भी अधिक फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इनकी फैमिली के बारे में, तो गाइस जिससे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, यह है इनकी फैमिली। इनके हस्बैंड का नाम है अंकुर जी और इनकी डॉटर का नाम है अनंत्या, जो माइमिस आनंद के नाम से भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो गाइस अब हम बात करेंगे सभी की फेवरेट कविताज किचन के बारे में और बताएंगे इनकी यूट्यूब जर्नी और भी काफ़ी सारी बातें, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। बात करेंगे इनके रियल नेम के बारे में, तो गाइस इनका रियल नेम है कविता सिंह। बात करेंगे इनके होम टाउन के बारे में कि अभी रहती कहाँ है, तो गाइस मैं आप सभी को बता दूं, कविता जी रहती हैं अभी कोलकाता में, कोलकाता में इनका घर है, कोलकाता इनका होम टाउन है। बात करेंगे इनकी नेशनलिटी के बारे में और इनके रिलीजन के बारे में। बात करें इनकी नेशनलिटी के बारे में, तो इंडियन इनकी नेशनलिटी है और इनका रिलीजन है हिंदू। बात करेंगे गाइस इनके प्रोफेशन के बारे में और बताएंगे इनकी यूट्यूब जर्नी की किस प्रकार से रही है अब तक की इनकी यूट्यूब जर्नी। प्रोफेशन के बारे में बात करें तो जिनको नहीं पता, काफ़ी अच्छी यूट्यूबर हैं। बात करेंगे इनके यूट्यूब चैनल के बारे में, तो गाइस जिनको नहीं पता मैं आपको बता दूं, कविताज किचन के नाम से काफ़ी अच्छा यूट्यूब चैनल है, यदि आपने नहीं देखा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ इनके वीडियो ज़रूर देखना। बात करेंगे ये कैसे वीडियोस अपलोड करती हैं, पहले बात करें सब्सक्राइबर्स के बारे में, तो 8.4 मिलियन से भी अधिक आज इनके यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। बात करें अब अपलोडिंग के बारे में, तो गाइस ये काफ़ी अमेजिंग फूड रेसिपीज अपलोड करती हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, जिन्हें देखकर आप घर पर खाना बनाना सीख सकते हो, तो गाइस काफ़ी अच्छे वीडियोस होते हैं। बात करेंगे इन्होंने यूट्यूब जर्नी कब स्टार्ट हुई थी इनकी, तो गाइस इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था 2014 में, फिर उन्होंने लगातार वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दिया था। बात करेंगे इनके पहले वीडियो के बारे में, तो गाइस जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, ये है इनका पहला वीडियो जो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल रहा है, यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो इस वीडियो को। गाइस इनके बारे में मैं आपको एक बात बता दूँ, कविताज किचन यूट्यूब चैनल इंडिया का नंबर 1 फूड रेसिपी यूट्यूब चैनल है, जी हाँ दोस्तों ये बात रियल है। बात करेंगे इनके पॉपुलर अपलोड के बारे में, तो गाइस जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, यह है इनका पॉपुलर अपलोड, इनका एक वीडियो है जिसमें इन्होंने बताया कि ब्रेड के गुलाब जामुन कैसे बनाते हैं, तो यदि आप भी इस रेसिपी को ट्राई करना चाहते हो तो आप भी ज़रूर करना। बात करें इनकी मंथली इनकम के बारे में, तो गाइस रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 से 8 लाख रुपए इनकी मंथली इनकम है रिपोर्ट्स के मुताबिक। बात करेंगे इनके इंस्टाग्राम के बारे में, तो गाइस इनका इंस्टाग्राम का यूजर नेम है कविता किचन। फॉलोअर्स के बारे में बात करें तो 532K से भी अधिक इनके इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुके हैं।
चलिए बात करते हैं इनके फैमिली के बारे में। तो गाइस जिसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, यह है कविता जी के मम्मी पापा। बात करेंगे गाइस इनके हस्बैंड के बारे में और इनकी डॉटर के बारे में और इनके सन के बारे में। तो गाइस जिसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, यह है इनके हस्बैंड जिनका नाम है मनीष जी। बात करेंगे गाइस इनकी डॉटर के बारे में और इनके सन। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, इसमें नजर आ रहे हैं इनका बेटा और इनकी बेटी, ये थी इनकी फैमिली। तो गाइस आपने निशा जी या फिर कविता जी दोनों में से किसके वीडियोस देखकर घर पर इनकी रेसिपीज ट्राई की है, ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। इनमें से आपका फेवरेट कौन है ये भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एक प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ।